साल पहले मुझे कहानी सुनाई, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे मैं रियलाइज़ कि ये ऑडियंस को एक ऐसी एक्सपीरियंस देने वाली है जो शायद आज तक ऑडियंस ने देखी नहीं, हॉरर फैंस ने देखा नहीं। जो हॉरर सीन्स हैं वो लोगों को डराएगी, चौंका देगी, और यू नो लव स्टोरी भी है, अच्छी म्यूज़िक भी है, तो एक पूरा पैकेज है फिल्म का। तो इसलिए मैंने राज फो के लिए हाँ कर दिया। राज फो में हम चाहते थे कि ये फिल्म हम इंडिया से बाहर लेके जाएं, रोमानिया में, जहाँ बहुत ठंड थी, -18, बहुत ग्रिलिंग शूट था, बहुत टफ शूट था, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ 50 डेज़, जो 50 या 55 डेज़ शूटिंग की थी। एंड इट वॉज़ रियली रियली कोल्ड, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आई थिंक वो स्क्रीन पे लोगों की मेहनत अभी रंग लाएगी जब फिल्म रिलीज़ होगी, वो दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड आई थिंक द लुक इज़ फैंटेस्टिक। तो पूरा अनुभव जो रहा है, मेहनत की है, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली उसका फल मिलेगा हमें। इट इज़ फर्स्ट एन इमोशनल स्टोरी, लव स्टोरी है, ट्राइंगल है, उसके बाद इट हैज़ दिस एलिमेंट ऑफ यू नो द हॉरर इन द फियर। माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है यार, टू बी अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज राज। जब मुझे पहले दिन बताया था विक्रम सर ने कि आई वॉन्ट यू इन माई फिल्म विच इज़ राज, तो मतलब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं बताई थी। वी वर शूटिंग फॉर लव गेम्स और चौथे दिन पे उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नाउ उन्होंने मुझे कुछ स्क्रिप्ट बताई थी, मैंने कहा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। इट्स अ फिल्म, आई मीन इट्स राज, वी आर रीबूटिंग द फ्रेंचाइज फॉर अ रीजन। आई मीन यू विल गेट टू सी इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, इन टर्म्स ऑफ द फियर कोशंट, इन टर्म्स ऑफ द लव स्टोरी, द सॉन्ग्स विल टेक यू बैक टू राज 1। सो देर इज़ अ लॉट मोर कमिंग योर वे। प्लीज़ गो एंड वॉच इट, इट्स अ फुल एंटरटेनर एंड आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट।